गुलमोहर शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत पेड़ों में से एक है। जैसी गर्मी आती है तो आप इसकी खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों ओर आपको इसके सुर्ख और ऑरेंज रंग के फूल दिखाई देंगे। ये पेड़ शायद हिंदुस्तान में 1840 में मुंबई में मेडागास्कर से पहली बार लाया गया। गुलमोहर का बोटानिकल नाम है डेलोनिक्स रेचिया, पर अंग्रेजों ने इसको दो और नाम दिए, एक था रॉयल पॉन्सियानिया और दूसरा था फ्लैम्बॉयंट ट्री। इसके साथ एक किंवदंती एसोसिएटेड है। केरल में जो सेंट थॉमस के अनुयायी ईसाई लोग हैं, उनका मानना है कि जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया था तो उसके पास ये छोटा गुलमोहर का पेड़ था। उनका मानना यह है कि इस गुलमोहर के जो सुर्ख फूल हैं उनका रंग यीशु के खून से आया है। इसका सामान्य नाम गुलमोहर है, जो फारसी से आता है। गुल का मतलब होता है फूल और मोर का मतलब है मोर या पीकॉक। और गर्मियों में आप इसकी फलियों को पेड़ से लटका देख सकते हैं। ये लगभग 2 फीट लंबी चौड़ी फलियां होती हैं, जिससे बच्चे तलवार का खेल खेलते हैं।